नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र के खेरमाई मंदिर के पास रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं मिला। आखिरकार गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली से संपर्क किया गया। इनायत अली ने मृतिका श्यामाबाई चौरसिया को अपने वाहन में लेकर मुक्तिधाम लेकर गए। इनायत अली ने हिंदू रीति रिवाज से मृतिका का अंतिम संस्कार कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। मृतिका जिस घर में रहती थी वहां पर रहने वाली एक महिला भी इनायत अली के साथ मृतिका का अंतिम संस्कार करने पहुंची। आपको बता दें कि इनायत अली काफी सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और उन्होंने लोगों से यह अपील भी की है कि जाति धर्म से उठकर मानवता की सेवा करें। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। श्यामाबाई चौरसिया जो कि खेरमाई मंदिर के करीब रहती हैं और आज उनका देहांत हो गया, जिनका कोई वारिस ना होने के कारण उन्हें श्यामाबाई वहाँ रहती हैं साथ में उनके। उन्होंने मुझे सूचना दी कि इनका कोई नहीं है, हमारे घर पे रहती नहीं, आगे पीछे कोई ना होने के कारण उन्होंने मुझे बुलाया है भाई के नाते से, और साथ में वो आई हुई भी हैं। तिलवारा या रानीताल मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार गरीब नवाज कमेटी द्वारा किया जाएगा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। क्या हो गया? काफ़ी बुज़ुर्ग महिला है, काफ़ी दिनों से बीमार अवस्था में घर पर थी, देखने वाला कोई ऐसा है नहीं उनका, अकेले उनकी मतलब एक लेडीज ही देखभाल करती रही जो उनकी बहन जैसी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।